सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मैं अनामिका। देखिए आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी के अंदर में यानी कि पार्टी के अंदर अभी काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। हालांकि ऊपर से लीपापोती की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक और मसला ऐसे ही हुआ। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शनिवार शाम अचानक राबड़ी आवास पहुंच गए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि राबड़ी आवास से लौट रहे तेज प्रताप यादव ने मीडिया को इसको लेकर के कुछ भी नहीं बताया। अब आपको ये भी बता दें कि तेज प्रताप यादव जो हैं उनकी गाड़ी राबड़ी आवास के अंदर 10 मिनट तक रही। जी हां, 10 मिनट तक रही। इसके बावजूद तेजस्वी या उनके साथ रहने वाले लोगों ने कोई भी रिस्पांस नहीं लिया। उसके बाद तेज प्रताप राबड़ी आवास से अपने आवास पर लौट गए। तो अब इसको लेकर के भी देखिए राजनीति गर्म होगी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शनिवार को खुद तेज प्रताप तेजस्वी से मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन राबड़ी आवास जाने के बावजूद भी उनकी बात तेजस्वी यादव से नहीं हो पाई। जहां तक कि उस आवास में मौजूद गार्ड ने भी तेजस्वी के बारे में पूछने पर अनभिज्ञता जाहिर की। बाद में 10 मिनट के बाद तेज प्रताप बैरंग राबड़ी आवास से अपने आवास पर लौट आए। तो अब इसको लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जाएंगे कि ये दोनों भाई हैं। भाई के बीच में मनमुटाव की खबरें तमाम तरीके से आ रही थी और इसको काफी ज्यादा उछाला भी गया था। जगदानंद सिंह का जो मैटर आया था जिसमें तेज प्रताप यादव ने उन्हें हिटलर बोला, तो उसके बाद पार्टी की जो छवि थी वो खराब हो रही थी, जिसको लेकर के दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव भी चल रहा था। अब तेज प्रताप यादव के राबड़ी आवास जाने के बावजूद भी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं कर पाए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या मसला हो सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।